खबर है कि नवंबर में क्वाड देशों की नौसेनाएं अभ्यास करने वाली हैं। इस सैन्य अभ्यास को चीन और रूस की जोड़ी के खिलाफ अमेरिका का जवाब माना जा रहा है, जिसमें भारतीय नौसेना भी शामिल होगी। जानकारी के मुताबिक जापान के योकोसुका में क्वाड देशों का यह युद्ध अभ्यास 8 से 19 नवंबर तक चलेगा, जिसमें भारत समेत अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की ताकतवर नौसेनाएं शामिल होंगी। और इसके लिए खास तौर पर योकोसुका तक को इसलिए चुना गया क्योंकि ये अमेरिकी नौसेना का अड्डा है। साथ ही अमेरिका के महाशक्तिशाली एयरक्राफ्ट कैरियर रोनल्ड रेगन का होम पोर्ट भी है। जानकारी के मुताबिक इस सैन्य अभ्यास में भारतीय नौसेना के शिवालिक क्लास के स्टेल्थ फ्रिगेट, एंटी सबमरीन युद्धपोत और बोइंग PHI एंटी सबमरीन वॉरफेयर एयरक्राफ्ट हिस्सा लेंगे। वहाँ जवानों को समंदर में दुश्मन से निपटने और अपनी सीमाओं की सुरक्षा के गुर सिखाए जाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि हिंद महासागर के इलाके में चीन की घुसपैठ लगातार बढ़ती जा रही है, जिसे सबक सिखाने के इरादे से भारतीय नौसेना अपनी पनडुब्बियों और एयरक्राफ्ट की ताकत को इस ड्रिल के जरिए आजमाएगी। इसी वजह से सैन्य अभ्यास में खास तौर पर एंटी सबमरीन ड्रिल की जाएगी, ताकि क्वाड देशों की नौसेनाओं की ताकत में इजाफा हो सके।